हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित है, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज किसकी रचना है? लेविस मम्फोर्ड, पीटर बर्गर, कैथलीन गफ, रॉबर्ट के मर्टन। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज किसकी रचना है? राइट आंसर बताइए। कल्चर ऑफ सिटीज ये किसकी रचना है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेविस मम्फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण का आशय है आर्थिक विकास से, सामाजिक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, सामाजिकता से। नगरीकरण का आशय है, राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों, आर्थिक विकास से और सामाजिक परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी है, ऐसा मानना किसका है? मैकेंजी का, बर्गेस का, पार्क का, गेट्स का? पैट्रिक गेट्स। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी है, ये किसने कहा है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय समाज से संबंधित समस्या है जलापूर्ति तथा जल निकास, भीड़ तथा अकेलापन, प्रदूषण, ये सभी। नगरीय समाज से संबंधित समस्या है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये सभी। नगरीय समाज में ये सभी समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ, औद्योगिकरण का कारण बना, आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, पश्चिमी प्रभाव के पहले से अस्तित्व में था। भारत में नगरीकरण, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, पश्चिमी प्रभाव के पहले से अस्तित्व में था। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों के विकास के निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? जनसंख्या वृद्धि, अधिशेष, अन्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, नए व्यापारों का आविष्कार। प्राचीन नगरों के विकास के निम्नलिखित शर्तों में कौन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अधिशेष, अन्य उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग, असहयोग। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऐच्छिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रगति हुई? अराजकतावाद, पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद। औद्योगिक समाज में किसमें सर्वाधिक प्रगति हुई? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में
औद्योगीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की है लेपियर मर्टन दुर्खीम मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का अंग है यह विचार किसका है? श्रीनिवास योगेंद्र सिंह कुप्पू स्वामी डी के कर्वे। मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का अंग है यह विचार किसका है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समाज तथा संस्कृतिकरण के संबंध में किस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण शब्द का उपयोग किया? कार्ल मार्क्स श्रीनिवास कुप्पू स्वामी महात्मा गांधी। भारत के समाज तथा संस्कृतिकरण के संबंध में किस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण शब्द का उपयोग किया? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? विधवाओं का पुनर्विवाह बाल विवाह पर रोक स्त्रियों की शिक्षा मुद्रा प्रचलन। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर मुद्रा प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव नहीं था। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास प्रौद्योगिकी नवाचार यातायात तथा संचार में परिवर्तन बड़े उद्योगों की स्थापना। औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? जजमानी प्रथा वे की भावना एकाकी परिवार व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता। ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट जजमानी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है? उसमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वह सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र है। मार्क्स मेटकॉफ रॉस मजूमदार। ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है उसमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वह सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र है ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? जात व्यवस्था नगर से निकटता संचार तथा परिवहन के साधन उपरोक्त सभी। कौन सा कारक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी ये सभी कारण प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण है? व्यक्तिवाद परिवारवाद जातिवाद क्षेत्रवाद। कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड परिवारवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगरी सातत्य की अवधारणा दी? बर्गेस, रेडफील्ड, लुई बर्थ, रॉबर्ट पार्क। ग्राम नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय में गुट समाज की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? श्रीनिवास, एस सी दुबे, ए आर देसाई, आस्कर लेविस। ग्रामीण समुदाय में गुट समाज की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, आस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इरविन, गॉफमैन, गाल्पिन, पार्सन्स, श्रीनिवास। ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, गाल्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1 मार्च 1976, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अप्रैल 1986, जवाहर रोजगार योजना 3 अप्रैल 1977, ट्राइसिम 4 अगस्त 1979। दो एक चार तीन, तीन दो एक चार, तीन एक दो चार, एक दो चार तीन। राइट आंसर इसमें बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 3 अप्रैल 1977 को, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1 मार्च 1976 को, और जवाहर रोजगार योजना 2 अप्रैल 1986 को, और ट्राइसिम 4 अगस्त 1979 को। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 3 अप्रैल 1977, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1 मार्च 1976, जवाहर रोजगार योजना 2 अप्रैल 1986, ट्राइसिम 4 अगस्त 1979। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, बर्थ, गाल्पिन। नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण किसने किया? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो तथा आधुनिक सुविधाओं का भोग होता हो, जनसंख्या का आकार तथा घनत्व का प्रकार, अभिजात वर्ग का स्थिर निवास, व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता है। भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है, राइट आंसर क्या होगा?
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। विजातीय रूपांतरण, प्रजनक रूपांतरण, परजीवी रूपांतरण, नियत विकासीय रूपांतरण। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विजातीय रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय वृद्धि में कौन सी पारिस्थितिकी प्रक्रिया नहीं है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, आक्रमण, उपनगरीयता। नगरीय वृद्धि में कौन सी पारिस्थितिकी प्रक्रिया नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्तरीय अवस्था में छोटे से बड़े शहरों में प्रवास करते हैं? क्रमिक प्रवास, आक्रमिक प्रवास, स्थानापन्न, चक्रीय प्रवास। प्रवास का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्तरीय अवस्था में छोटे से बड़े शहरों में प्रवास करते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्रमिक प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अभिगम का केंद्र बिंदु क्या है? श्रमिकों का मनोबल, लाभ कमाना, प्रबंध के हित, संघ की शिकायतों का समाधान। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अभिगम का केंद्र बिंदु क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, श्रमिकों का मनोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्र के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया रहस्य उद्योग परंपरा और भावात्मकता के उन्मूलन पर जोर देती है? मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, गैरी बेकर, जॉन रोमर। किस समाजशास्त्र के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया रहस्य उद्योग परंपरा और भावात्मकता के उन्मूलन पर जोर देती है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का अनार्थिक तत्व है? साहस की मात्रा, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति। कौन सा औद्योगिकरण का अनार्थिक तत्व है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? पार्क्स, पार्क, वर्गेस, मूर, विर्थ। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर निशान लगाएं। जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वालों के प्रतिशत होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। जो लोग शहर में रह रहे हैं वह सदैव नगरी हों ऐसा नहीं है। सही कथन पर निशान लगाइए, राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है। शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं। बहुतायत उद्योगों में व्यस्त है। शहर से संबंधित विशेषता पर कौन सी सही विशेषता है? राइट आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर? शहरों की विशेषता दर्शाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड्स ने बिना ग्राम में केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। एडवर्ड्स ने बिना ग्राम में केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। लाइन गांव, ओपन कंट्री समुदाय, डाउन कंट्री समुदाय, क्लोज्ड समुदाय। राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड्स ने बिना ग्राम में केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है। इसमें का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ओपन कंट्री समुदाय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? बृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रण, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5। राइट आंसर बताइए। नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बृहद आकार। ऑप्शन सेकंड, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता। ऑप्शन थर्ड, अज्ञानता। ऑप्शन फाइव, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घेटो या घेटो की व्याख्या सर्वाधिक निकट कौन है? पश्चिमी समाज में पाया जाने वाली गंदी बस्ती है। यह नगर का एक परित्यक्त खंड है। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। यह गंदी बस्ती में रहने वाले एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? घेटो या घेटो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेगा पोलिस नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइमेट नगर है। 1 करोड़ की आबादी वाला नगर है। 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैला हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। महानगर के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। राइट आंसर क्या होगा? एक मेगा पोलिस राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पोलिस, इओपोलिस, मेट्रोपोलिस,
कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 3 1 2। मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले यो पोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। पहले नंबर पर यो पोलिस आएगा ऑप्शन सेकंड, दूसरे नंबर पर पोलिस आएगा ऑप्शन फर्स्ट, और तीसरे नंबर पर मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? औद्योगिक, पूर्व, आधुनिक, ऐतिहासिक, वाणिज्यिक। किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, वाणिज्यिक नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है। एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, अधिशेष अकृषि भूमि। 1 2 3, 1 2, 2 3, 1 3। किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, अधिशेष अकृषि भूमि। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, 1 और 2। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में वर्ष 1947 से निरंतर नगरीकरण की दर उच्च महसूस की जाती रही है। भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवसन के कारण है। शहद वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है। भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत में वर्ष 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस विर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी सूची में एक नहीं है, शामिल नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। राइट आंसर बताइए क्या होगा। लुईस विर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया, कौन उसकी सूची में शामिल नहीं है?
राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट, गतिशीलता। आकार, घनत्व, विषमता, ये तीनों हैं, गतिशीलता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण औद्योगीकरण का उत्पाद है, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, ग्रामीण नगरी प्रव्रजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, नगरीकरण और औद्योगीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अधिक सम्मिश्रण है। 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें राइट आंसर है, नगरीकरण औद्योगीकरण का उत्पाद है, ये सही है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, ये भी सही है। ग्रामीण नगरी प्रव्रजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 1, 2, 3, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों की अवस्थित अति वृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है? नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, बृहद नगर, नगरीय परिधि। नगरों की अवस्थित अति वृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों के उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जा सकता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, नगरीय फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरे जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं कई इकाइयों का निर्माण, शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। राइट आंसर क्या होगा? नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, उद्योगों को शहर में दूसरे जगह स्थानांतरित करना। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी समुदाय के विकास विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है। शहरी भूगोल, शहरी आकार की, शहरी पारिस्थितिकी, शहरी संस्थिति विज्ञान। शहरी समुदाय के विकास विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, शहरी आकार की। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक, आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए को तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।